तो बच्चों, क्या आपके मैथ्स में कम मार्क्स आते हैं? हमेशा? अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और उसकी एक चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी आपको मैं बताने जा रहा हूं, फुल स्पेशली क्लास 10th के लिए। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो टिप्स देना चाहूंगा। अगर आप दो टिप्स फॉलो करोगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा के जाएगी। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो ये वीडियो आपके लिए बेकार है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो पहली टिप्स है बच्चों, स्ट्रेस, यानी ज्यादातर बच्चे जो पढ़ाई करते हैं स्ट्रेस लेकर करते हैं, यानी उनका ध्यान हमेशा मार्क्स के ऊपर होता है, भाई मार्क्स मेरे इतने आएंगे नहीं आएंगे, यानी मार्क्स दिमाग में चलते रहते हैं। उसका आंसर क्या होता है कि पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती, अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस नहीं कर पाते। सबसे पहले टिप्स ये कि आपको स्ट्रेस को रिमूव करना है, विदाउट स्ट्रेस आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है जी। नंबर टू, वेस्टेज ऑफ टाइम। ज्यादातर बच्चे टाइम का वेस्टेज करते हैं, यानी एग्जाम शुरू हो गए उसके बावजूद भी अपने टाइम को मैनेज वो नहीं कर पाते, ज्यादातर समय वेस्टेज करते थे टाइम का, यानी फालतू चीजें ज्यादा पढ़ेंगे, वो टू द पॉइंट चीजें नहीं पढ़ेंगे। अगर टाइम का वेस्टेज बंद करेंगे तो आपके मार्क्स फुल आने वाले हैं। तो बच्चों, टीवी और फोन से आपको दूरी बना करके रखनी है, क्योंकि टीवी और फोन यही चीज है जो आपका टाइम पूरी तरह से वेस्ट करता है। तो मैं अब शुरू करता हूं स्टडी आपकी, टॉपिक वाइज कैसे करना है आपको, कितना करना है, तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखते रहिए, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको किस तरह से टॉपिक वाइज रिवीजन करना है। अब देखो, मैं टॉपिक लिख रहा हूं, बाकी टॉपिक दोबारा लिखूंगा जो टॉपिक इस समय है। ये देखिए, आप पहला टॉपिक आपका रियल नंबर, वो आपका आने वाला है 6 मार्क्स का, और इसमें से आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा डिलीटेड है, जो मेन पोर्शन है यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो आपका डिलीट है। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन आएंगे इसमें, जैसे रूट टू इज रेशनल नंबर, प्रूव करो इसको, इस टाइप क्वेश्चन आएंगे आपको इसके अंदर, वही करने हैं टू द पॉइंट। उसके बाद ये पॉलिनोमियल, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे जिसमें रूट में और कोएफिशिएंट में रिलेशन होता है, और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये आपका आसान हो गया पहले से काफी। इक्वेशन बिल्कुल डायरेक्ट सॉल्व करने को आएंगे आपकी, इसमें आपकी वर्ड प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम करनी है इसके अंदर। क्वाड्रेटिक, इसमें कुछ रिलेट नहीं है, तो इसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना आएगी, और वर्ड प्रॉब्लम भी आएगी क्वाड्रेटिक से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक में से कोई रिलेट नहीं कुछ भी, तो कंप्लीट आएगा, केवल दो ही फॉर्मूले हैं, एनेट्रम का फॉर्मूला है और सम का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले और पूरा टॉपिक क्लियर। उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें आपका लास्ट एक्सरसाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल डिलीटेड है, और बाकी आपको पूरा करना है, दो फॉर्मूले हैं बस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और सेक्शन फॉर्मूला, उसी से पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम ज्योमेट्री पर। ज्योमेट्री में खासकर तीन टॉपिक हैं, ट्राइंगल, सर्कल और कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से रिलेटेड है इस बार, तो टॉपिक बचते हैं आपको दो, ट्राइंगल और सर्कल, और मार्क्स हैं 15, यानी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पहला ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में खुशी की बात यह है कि आपकी कोई थ्योरम नहीं आएगी, थ्योरम्स की ज्यादातर डिलीटेड हैं, तो केवल एक्सरसाइज से आएगा, जो भी माल आएगा एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, यानी थ्योरम के एप्लीकेशन तुम्हें करने हैं, ठीक है। अब बात आती सर्कल की, तो सर्कल में दो या तीन थ्योरम है, बड़ी ईजी है, तो इससे एक थ्योरम पूछी जा सकती है, बाकी एक क्वेश्चन आएगा सर्कल से, यानी टोटल मार्क आपको 15 मार्क्स इससे मिलने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही आसान होंगे, ठीक है बच्चों, इसलिए आप इसको बड़े केयरफुली करें। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आप और एक है एप्लीकेशन ऑफ, इसमें दो तीन टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में। एक तो आप सीधे रेशो वाले फॉर्मूले हैं ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, और एक उसकी टेबल आपको साइन 60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू, वो आपको याद करनी है। और एप्लीकेशन में आपका है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। इस ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे ही आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। अरे बड़ा क्वेश्चन आपको इससे मिलने वाला है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा, बाकी छोटे क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो फॉर्मूले याद करने हैं और ये आपका मामला बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद मेंसुरेशन, आपके दो टॉपिक हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पहले वाले में तो कोई कटिंग सेटिंग नहीं है, पूरा टॉपिक है जिसमें आपके
सेक्टर सेगमेंट के दो फॉर्मूले हैं, आपको याद करने हैं, क्वाड्रेंट वगैरह है, ट्रायंगल है, ठीक है जी। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें से बहुत कुछ आपका डिलीटेड है। जो मेन फॉर्मूला है फ्रस्टम, वो इसके अंदर आपको नहीं आएगा, वो डिलीटेड है। और एक कन्वर्जन वाले, जैसे एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरा सॉलिड बनाते हैं, वो वाले क्वेश्चन इसमें डिलीटेड हैं। तो इसमें से सिंपल से क्वेश्चन ही बचते हैं, जैसे दो सॉलिड का कॉम्बिनेशन बना दिया हमने, सिलेंडर के ऊपर कौन रख दिया, उसका टोटल सर्फेस एरिया पूछा जाना है, तो इस तरह की प्रॉब्लम इसमें से बनेंगी, उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है बच्चों। तो इजीली आप फॉर्मूले याद करो और आराम से टॉपिक हो जाएगा आपका। तो उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका स्टैटिस्टिक्स, ठीक है जी। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी है नीचे, तो स्टेटिस में आपको क्या करना है, स्टेप डेविएशन मेथड आपका डिलीटेड है इसके, जिसे मीन फाइंड करते हैं ना, स्टेप डेविएशन मेथड वो आपका डिलीटेड है, वो आपको नहीं करना। बाकी सभी मेथड से आप मीन फाइंड कर सकते हैं, मीडियन है, मॉड है, वो आपको करना है। मीडियम से निकालते हैं उजाइर से, वो आपको नहीं करना, यानी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ आपको नहीं करना है, ठीक है जी। तो मीडियम आपको निकालना डायरेक्ट फॉर्मूले से इसके अंदर। प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल बेसिक ही है, बेसिक प्रोबेबिलिटी है, केवल एक फॉर्मूला है भाई। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। ये फॉर्मूला आपको याद है, और ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, डाइस में कितने फेस होते हैं, बस दो चार बातें आपको याद हो तो आप प्रोबेबिलिटी इजीली कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरीके से मैंने आपको टॉपिक वाइज बता दिया कि इसमें से कितना आने वाला है, ठीक है जी। तो आपको ये सब पढ़ना कहाँ से, मैं आप बताना चाहूंगा कि आपके पास जो मेन कोर्स बुक है आपकी एनसीईआरटी, तो जो बेसिक्स हैं आपके वो आपके उसी से क्लियर होंगे। तो सबसे पहले आप अपने एनसीईआरटी ठीक से क्लियर कर लो, और उसके बाद सैंपल पेपर आप कहीं से भी कोई भी ले सकते हो। सैंपल पेपर केवल प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ताकि आप टाइम देख करके ही देख सके भैया आपका टाइमिंग क्या चल रहा है और कितने समय में आपका सैंपल पेपर फिनिश हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कितना पढ़ना है आपको, लगातार कितने समय पढ़ना है, जबकि आपको छुट्टी चलनी है घर पर। तो देखो, लगातार 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना, ये भी कोई समझदारी नहीं होती। पढ़ने में क्या होता है, जब तक आपका मन लगे, यानी जब तक आप ठीक से पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तब तक आपको पढ़ना चाहिए। वो समय 1.5 घंटा भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जैसे आपका मन उखड़े लगे, समझ में आना बंद हो गया, तभी आपको गैप मारना है, यानी रेस्ट लेना है आपको 20 मिनट का 30 मिनट का, जितना ले सकते हो। और उसके बाद जब आपका मन करे दोबारा पढ़ने बैठ जाएं। इस तरह आप स्लॉट में पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, और ज्यादा आपकी अच्छी तरह प्रिपरेशन होगी, ठीक है। तो अब जैसे आप मेन एग्जाम में आएंगे, उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अब देखो, उसके अंदर 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं, 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के हैं वो। कभी क्या होता है, बच्चे इन 20 मार्क्स में फंस के रह जाते हैं, अपना टाइम वेस्टेज काफी करते हैं। तो या तो इन 20 क्वेश्चन को आप बाद में करें, अगर आप शुरू में करना चाहते हैं तो टाइम आप फिक्स कर लें, जैसे मुझे 30 मिनट ही देने इनको, 30 मिनट जितने भी हो जाएंगे उतने ही क्वेश्चन मुझे करने हैं, और बाकी मुझे बाद में करने हैं, और साथ आपको नेक्स्ट सेक्शन में पहुंचना है, सेक्शन बी पर सी पर, उस हिसाब से जो आपको आता है फटाफट खत्म करके बाद में आपको इन पे बाद में आना है एमसीक्यू के ऊपर, ठीक है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर टाइम बर्बाद ना कर दें, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है एमसीक्यू पर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, सब कुछ जो तुम्हें बताया है आप ठीक से आप देखा होगा आपने, लेकिन एक बात आपको फिर कहना चाहूंगा मैं, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। जो भी तैयारी करनी है आपको बिल्कुल खुशी खुशी करनी है, जॉली मूड में करनी है, ठीक है। तो आपके मार्क्स बिल्कुल वाकई बढ़िया आने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपके लिए थैंक्स, और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।